आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं कर्नाटक राज्य से, और आप देख पा रहे हैं कि कर्नाटक के फ्रीडम पार्क में किस प्रकार से पेंशन विहीन साथियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में पेंशन विहीन जितने भी कर्मचारी हैं लाखों की संख्या में यहां पे जुटे हुए हैं और अपने ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। एनपीएस हटाओ और पुरानी पेंशन अर्थात ओपीएस लाओ के नारे के साथ वहां पे धरने पे बैठ गए हैं, और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। अब राजनीतिक पार्टियों को भी इस पर मजबूर होकर सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा जन सैलाब जो मांग कर रहा है उसको अनसुना नहीं किया जा सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। अगली खबर जनपद मथुरा से है और अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो से उपस्थिति के विरोध में शिक्षक संगठन लामबंद। व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो के माध्यम से स्कूल में उपस्थिति दर्ज करवाने के आदेश के विरोध में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ व प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने बीएसए को ज्ञापन दिया। शिक्षक नेताओं ने आदेश को शासनादेश के विरुद्ध और निजता का हनन बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अतुल सरस्वत ने कहा है कि फोटो से उपस्थिति देने का प्रावधान शासनादेश के खिलाफ है। जनपद के सभी शिक्षक इस आदेश का बहिष्कार करते हैं। निदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय कुमार जी लगातार विद्यालयों के निरीक्षण खुद करवा रहे हैं, और इसके अलावा अधिकारियों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं, गाड़ियां दी गई हैं, उसके लिए खर्च भी दिए जा रहे हैं निरीक्षण के लिए, तो फिर ये व्हाट्सएप से उपस्थिति समझ से परे है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों हमने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बीआरसी में जुटे शिक्षक तो जारी कर दिया वेतन। मजनपुर से खबर है दोस्तों, 5 लाख के शिक्षकों का वेतन जारी नहीं किया गया था और इससे नाराज प्राथमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय को घेराव की चेतावनी भी दी थी, और उसके बाद बीआरसी जब गुर्जर पहुंचने लगे तो उनका वेतन इसी दौरान जारी कर दिया गया। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ पे वेतन मद में प्रदेश में पूरा ग्रांट उपलब्ध है, उसके बाद भी मानव संसाधन पोर्टल के पेरोल सिस्टम से आपका ट्रेजरी के माध्यम से वेतन दिया जाता है, फिर भी समय से यदि शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है तो ये काफी लापरवाही का द्योतक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डीबीटी प्रक्रिया में जिन विद्यालयों में 10 या उससे अधिक आधार कार्ड विहीन छात्र हैं, ऐसे विद्यालय के समस्त शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश जारी, जो पूर्णतः अन्यायपूर्ण। तो दोस्तों ये खबर बस्ती से है और यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारी बस्ती के प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद के 333 विद्यालयों में डीबीटी प्रक्रिया में जिन विद्यालयों में 10 या उससे अधिक आधार कार्ड विहीन छात्र हैं, ऐसे विद्यालय के समस्त शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे विरोध भी शुरू हो चुका है। यहाँ आगे बताया गया है कि जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है तब अधिक से अधिक छात्र नामांकन करने हेतु शिक्षकों पर दबाव बनाया जाता है। उस समय अभिभावकों द्वारा आधार कार्ड बनवा कर देने की बात कहने पर छात्र का नामांकन कर लिया जाता है, किंतु यदि बार बार कहने पर अभिभावकों द्वारा छात्र का आधार कार्ड नहीं बनवाया गया या सभी बीईओ महोदय द्वारा बीआरसी पर बनवाए जाने के उपरांत भी आधार कार्ड बच्चों को नहीं प्राप्त हुए तो दोषी कौन होगा, ये पूछा जा रहा है। दोषी शिक्षकों को बनाया जाना पूर्णतः गलत है व अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। संगठन ऐसी कार्रवाई का पुरजोर विरोध करता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये ध्यान देने वाली बात है कि शिक्षक आधार कार्ड तो बनाएगा नहीं, और यहाँ पे बीईओ अर्थात कि हर बीआरसी पे आधार किट गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे कि बच्चों के आधार कार्ड बनवाए जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आधार कार्ड नहीं बनता है, अभिभावक उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो इसमें शिक्षक कहाँ से दोषी होगा। शिक्षक तो सिर्फ कह सकता है कि आधार कार्ड बनवाइए, उनको रास्ते दिखा सकता है, ले जाके आधार कार्ड खुद तो नहीं बनवाएगा। तो इस पे निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, शिक्षकों को इस मामले में दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।